हाय, वैक्सीनेशन शेड्यूल को आगे बढ़ाते हैं। 5 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स की एज तक बच्चों में क्या वैक्सीन देनी चाहिए? 5 ईयर्स पे डीपीटी बूस्टर दिया जाता है और उसके बाद एवरी ईयर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो कि अब ऑप्शनल होती है, एंड देयर आफ्टर 10 ईयर की एज पर हम 2 वैक्सीन्स लगाते हैं। टी डैप वैक्सीन, जिसमें टी इज़ फॉर टेटनस एंड स्मॉल डी एंड स्मॉल पी इज़ फॉर मिनिमल डोजेज ऑफ डिफ्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस इन्फेक्शंस, एंड ए पी मीन्स ए सेलुलर वाली पर्ट्यूसिस वैक्सीन, जिसमें पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया का एक पर्टिकुलर एंटीजेनिक पोर्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये वैक्सीन विदाउट फीवर वाली बन जाती है। सो यहाँ बात आती है पेनफुल और पेनलेस वैक्सीनेशंस की। उसका कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज वो एक बहुत लंबा डिस्कशन है। आफ्टर टी डैप वैक्सीन नेक्स्ट वैक्सीन होती है, जो कि हम 10 ईयर पे देते हैं, HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन, या फिर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। गर्ल्स में हम 4 वेलेंट वाली HPV वैक्सीन लगाते हैं और बॉयज़ में 9 वेलेंट वाली HPV वैक्सीन लगाई जाती है। 15 ईयर से पहले अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 डोजेज 0 एंड 6 मंथ अपार्ट, लेकिन अगर 15 ईयर्स के बाद हम ये शेड्यूल स्टार्ट करते हैं तो वो 3 डोजेज हो जाती हैं। 0 2 मीन्स 2 मंथ्स के बाद सेकेंड डोज, एंड देन उसके 4 मंथ्स के बाद थर्ड डोज। और यहाँ पर हमने 10 ईयर्स तक के बच्चों के वैक्सीनेशन डिफरेंट वीडियोस के ज़रिए कंप्लीट कर लिया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडोलसेंट वैक्सीनेशंस। 11 ईयर्स से लेकर नेक्स्ट 18 to 20 ईयर्स तक क्या क्या वैक्सीनेशंस हमें अपने बच्चों को लगवानी चाहिए। बाय बाय।